में आपका स्वागत है और मैं हूँ राहुल शर्मा। इस समय हम पहुंच चुके हैं रामनगर के दूरदराज क्षेत्र अपना गंद में, तो जहां पे कल 11 बजे के करीब भूस्खलन शुरू हुआ था और इस भूस्खलन की जद में 12 से 14 मकान आ चुके हैं और बिल्कुल वो तबाह हो चुके हैं। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि इस समय जो भूस्खलन यहां पे चल रहा है उसकी तस्वीरें दिखाई जाए। ये लगातार कल 11 बजे शुरू हुआ था और 11 बजे से ये अभी तक लगातार भूस्खलन जारी है और इसकी वजह से रामनगर उधमपुर मार्ग, रामनगर बसंतगढ़ मार्ग बिल्कुल बंद हो चुका है। पूरी सड़क भी तबाह हो चुकी है और लगभग 12 से 14 मकान जो थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तो कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना नुकसान हुआ यहाँ पे। जी आपका नाम? सर मेरा नाम संजय कुमार। जी संजय जी, ये कितने बजे भूस्खलन यहाँ पे शुरू हुआ और अभी तक कितना नुकसान यहाँ पे हो चुका है लोगों का? सर ये करीबन 11:30 बजे का टाइम था उस टाइम, तो सर अब तक ये नुकसान तो हम इस बात को कह ही नहीं सकते हैं कि ये कितना बड़ा नुकसान है। यहाँ पे कोई 10 या 11 मकान जो है वो अभी तक बिल्कुल तबाह हो चुके हैं और जो उनकी जमीन थी थोड़ी बहुत वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो अपने किसान लोग अपनी खेती बाड़ी से थोड़ा बहुत अपना गुजारा करते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा करते थे, अब वो कैसे करेंगे? तो इनके पास जो जमीन है अब मकान बनाने के लिए भी कोई जगह नहीं बाकी है और इतना दर्दनाक हादसा हुआ है ये कभी हमने जिंदगी में ऐसे देखा नहीं है। तो यहाँ पे बाग बगीचे हैं बहुत सारे, जितने के बाग बगीचे लगाए हुए थे और मकान बिल्डिंग है सब कुछ तबाह हुआ है। जो 7-8 लोग यहाँ पे हैं उनको भी इतना ज्यादा खतरा है कि उनके मकान खाली करवा दिए गए हैं। तो सर हम ये चाहते हैं सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने यही उनसे मांग करते हैं कि वही इनका सबसे जल्दी से जल्दी हाथ जोड़कर कहते हैं कि इनका कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी इनका हल निकाल लें। खाली केवल के मकान का नहीं, जो इनकी जमीन है, जमीन का भी और मकान का भी, जो इन्होंने अपना प्लाट लगाए थे पेड़ पौधे सेब के जब कुछ भी था उनका भी पूरा इनको फुल मुआवजा मिलना चाहिए। जो पहले वाली बात ना कि खाली मकान का। अभी कुल मिला के बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे थे, उनके द्वारा क्या इन्हें कुछ सामग्री का सामान वगैरह दिया गया? सर उनके द्वारा तो उन्होंने यही कहा है कि वो आए थे, उन्होंने मौका किया है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हम जितनी भी हो सके तो उतनी कोशिश करेंगे और जरूर कुछ ना कुछ हल इसका करेंगे। पर हम ये चाहते हैं, वो तो करेंगे, पर हम ये चाहते हैं कि जैसे एक मकान का मुआवजा होता है उस लिहाज से मुआवजा नहीं बनाए, क्योंकि इनके जो पेड़ पौधे हैं, जो बाग बगीचे हैं, जहाँ इनके घर हैं, जहाँ इनकी जमीन बिल्कुल तबाह हो चुकी है, तो ये जमीन और मकान बनाएंगे कहाँ? अगर इनकी जमीन ही खत्म हो चुकी है तो मकान बनाएंगे कहाँ? हम यही करते हैं कि जो आज थोड़ा बहुत इनको राशन दिया है और ये कह रहे हैं कि हम हफ्ते के हफ्ते आपको राशन देंगे, जो सरकारी बिल्डिंग है उनको खुलवा के उनमें रहने के लिए इनको थोड़ी सी इनकी सहायता मिल गई है, तो ये कहते हैं कि जल्द से जल्द इनका ये मुआवजा है। जहाँ जमीन जो बिल्कुल जो अपनी डैमेज हो चुकी है, इनकी मकान बनाने के लिए जगह कोई रही बाकी नहीं है, तो सरकार की तरफ से हम यही उम्मीद करते हैं कि इनको सबसे जल्द इनका कोई हल किया जाए। और नमस्कार सर। तो कुछ और भी है लोग हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। कल का जो यहाँ पे वाक्य पेश आया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर मैं सबसे पहले सरकार से तो यही अपील करना चाहूंगा कि जो जिन लोगों की जमीन जो है वो टोटल लॉस हो चुकी है, जब मकान जिनके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनके लिए तो फौरी तौर पे इंतजामिया ने सरकारी बिल्डिंगों में, एक जहाँ पे CFC थी वहाँ पे भी कुछ लोगों को ठहराया हुआ है, एक फॉरेस्ट का क्वार्टर था उस पर भी, और स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ पे भी कुछ लोगों को रखा हुआ है, और खाने का भी उन्होंने कुछ प्रबंध कर दिया है कुछ दिनों के लिए। लेकिन उनके साथ साथ जो जहाँ पे इस लैंडस्लाइड के साथ लगता हुआ एक मोहल्ला जहाँ पे कम से कम भी 10 से 12 परिवार और जहाँ पे फैमिलियाँ जहाँ पे रहती हैं, मैं जनाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस साइड भी कैमरा घुमा के इन फैमिलियों को भी देख ले, इनको भी खतरा है। रात के वक्त ना तो ये इस घर में रह सकते हैं, ना ये सो सकते हैं, और सामान वगैरह भी इन्होंने कुछ जो है जो इनके पास जितना भी इनके पास ठिकाना था वो इन्होंने सामान इधर उधर रख दिया है, और अभी भी घर के अंदर सामान बचा हुआ है, और इनके जो माल मवेशी था उनको भी चुराने के लिए कोई जगह बची नहीं है। लोगों के लिए तो राशन डिपार्टमेंट दे रहा है, लेकिन माल मवेशी को लोग कहाँ लेके जाएंगे? तो हम गवर्नमेंट इंतजामिया से ही यही गुजारिश करते हैं कि कम से कम फौरी तौर पर कुछ दिनों के लिए तो इनका ठिकाना जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से खाने का प्रबंध तो किया हुआ है, माल मवेशी के लिए भी कुछ चारा वगैरह का इंतजाम जो है वो करना चाहिए इसके साथ साथ ही। तो अभी जो रोड है तो वो तो बंद है, लेकिन अभी इस मोहल्ले में जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं इनका भी, जो जिनके मकान अभी बचे हुए हैं इनको भी खतरा है, इनका भी कुछ इंतजाम जो है वो करें। तो मैं कैमरामैन से वापस कहूंगा कि एक बार वापस वो दिखाएं। इस समय भी जमीन खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है, तो ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं,
लगातार खिसकने का सिलसिला जारी है और 12 से 14 मकान इसकी जद में आ चुके हैं, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। और कौन है प्रकाश जी? और कौन है? ये राकेश आ गया। ये कौन है? उत्तम कुमार। ये राकेश। सारे को।